अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज वहीद अहमद साहब जो कि एडवोकेट मेंबर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने आज यूसुफैन दरगाह में विज़िट किया, तेलंगाना सीएम केसीआर की सेहत के लिए दुआ की। आइए नाज़रीन देखें ये रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जुमे का दिन है और आज मैं और मेरे साथ मेरे बड़े भाई अकबर हुसैन साहब और पार्टी के फहीम साहब और हमारे तमाम लोग एजाज साहब और दीगर लोग यहाँ पर हाजिर हुए। यहाँ पर सिर्फ हाजिर होने का मकसद एक ही था क्योंकि आज जुम्मा भी था, एक मुकद्दस दिन भी था और अल्लाह ताला क्योंकि आज हम शहीन शाह तेलंगाना जिसको कहा जाता है, जिसमें बारगाह यूसुफ नौलिया और शरीफ नौलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हम हाजिर हुए। यहाँ पर हाजिर का मकसद एक ही मकसद था, यहाँ पर जितने लोग भी आते हैं अपनी मन्नतों को पूरी कर जाते हैं और शुरू से भी हमारी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी का एम यही था, तेलंगाना की तहरीक का आगाज़ भी यहीं से हुआ था। आज हम यहाँ इस मकसद के लिए हाजिर हुए कि हमारी रियासत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की सेहत नासाज है, जिनका एंजियोग्राम भी किया गया। हम यहाँ पर पार्टी के तमाम कायदीन के साथ हाजिर होकर अल्लाह ताला की बुजुर्ग हस्ती के दरबार में बैठकर अल्लाह ताला से हम ये दुआ की कि अल्लाह हमारी रियासत के वजीर आला को सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और रियासत की खिदमत करने वाला बना दे और तमाम बलाई आफत और मुसीबत से शैतानी वसवसों से अल्लाह उनको महफूज रखे। हमारी दुआ यह है कि 20 साल तक हमारी रियासत के वजीर आला इस रियासत पर हुक्मरानी करें और आज इस रियासत को और इस मुल्क को केसीआर साहब जैसे कायदीन की ज़रूरत है, इसीलिए हम यहाँ पर हाजिर हुए और उनकी सेहत के लिए हमको पूरी उम्मीद है। अल्लाह ताला इस बारगाह की दरबार में जितने लोग हाजिर होते हैं अल्लाह उनकी हाजिरी को कबूल करता है क्योंकि ये गरीबों के लिए मसीहा है, अकलियतों के दोस्त चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक सेकुलर किरदार अदा करने वाले कायद रहे हैं। इनकी हम दुआ के लिए तमाम यहाँ पर न सिर्फ पूरा तेलंगाना बेचैन है बल्कि तेलंगाना रियासत से हटकर दूसरी रियासतों में भी लोग केसीआर साहब की सेहत को लेकर बहुत ही फिक्रमंद है और तमाम लोग दुआ शुरू कर चुके हैं। कई बुजुर्ग लोग और ख्वातीन भी घरों में बैठकर दुआ दे रही है क्योंकि शादी मुबारक के नाम पर या कल्याण लक्ष्मी के नाम पर या तालीमी इनकलाब के नाम पर जिन लोगों को लोग फायदा उठाएं वही लोग भी दुआ दे रहे हैं केसीआर साहब को, अल्लाह उनको जल्द सेहत अता कर दे और हमारी भी यही दुआ है। हम यहाँ पर हाजिरी का मकसद भी यही था, अल्लाह मेरी रियासत के वजीर आला को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और खिदमत करने वाला बना दे। आज हिंदुस्तान हैदराबाद सरजमीन पर इस तरह हजरत बाबा रहमतुल्लाह दरगाह में यहाँ पर हर मजहब के लोग नीयत और इरादे से आते हैं, वो नीयत भी और इरादे से कबूल होती है बारगाह में। यहाँ आज हमारे रियासत चीफ मिनिस्टर हमारे अब्दुल अजीज रियासत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर और साहब की जो सरा सहित सुबह आज यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद में इन्होंने देर बाद इनकी पूरे टेस्टों के बाद और इंतजाम के बाद अल्लाह के फजल से गुजरान दिन के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मा का दिन है और नमाज के बाद यहाँ पर हजरत जुम्मा का भी दस्तर हुआ था, इसमें भी दुआ हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त वक्फ बोर्ड मेम्बर वहीद साहब और दिगर हमारे फहीम और एजाज दिगर हमारे और सलीम कई लीडर्स पार्टी के लीडर्स यहाँ बारगाह में चादर और गुलाब भेज किया गया है। इस गुजराने दीन के पास कभी भी रियासती तेलंगाना का जो तेलंगाना की जो तहरीर शुरू हुई थी उस टाइम भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक सीधे मन से यहाँ पर हाजिरी दिए थे, अल्लाह के फजल से तेलंगाना हासिल हुआ। हम जो भी काम के लिए जो जिस तरह जो हम परेशान में हम लोग सुख में हम लोग दुख में रहते यहाँ पर जब आके गुजराने दीन के पास जब मांगते हैं अल्लाह के फजल से वो मुकम्मल तौर पर दुआ कबूल होती है। अल्लाह के फजल से आज हिंदुस्तान के वाहिद एक सेकुलर लीडर है तो हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब के लिए सिर्फ रियासती तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर पर आज सुबह में जब उनको टीवी पर देखे बाद दौड़ने के देखे बाद हर गरीब के घर में इस तरह अपने घर में जब तकलीफ महसूस होती है अपने किसी को कुछ हुआ तो जैसा महसूस होता उसी तरह आज पूरे हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना की अवाम एक बेचैन होकर हर जगह हर मजहब के लोग यहाँ पर हर रिलीजियस या हिंदू भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह आज हम यकीदे मन पर हम पूरे मिल के यहाँ पर आके बारगाह में दुआ किए गए। इंशाल्लाह जुम्मा में भी हर मस्जिदात में भी दुआ किया गया है केसीआर साहब के लिए, अल्लाह सेहत दिए अल्लाह और उनके हमेशा हज़ारों साल हमेशा रहेंगे और रियासत तेलंगाना जब तक हुकूमत कायम रहेंगी बराबर यहाँ पर केसीआर साहब को अल्लाह इस गुजराने दिन के सदक़े से सेहत में तंदुरुस्त रहेंगे और केसीआर साहब की क़यादत में इस तरह के टी रामा राव साहब बंदो हमारे कई मिनिस्टर्स विनोद कुमार साहब बंदो संतोष साहब बंदो और दीगर
इस तरह कई काम कर रहे हैं, बहुत ही खुशहाली से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तेलंगाना के आवाम बहुत ही खुशी से है, वही मंजर देखते हुए अपने सब लोग अपने घर के आदमी समझ के यहाँ इस गुजरानी दिन के पास दुआ के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो सब लोग आए उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। गुजरानी दिन के सदक़े से अल्लाह उनको और सेहतमंद के साथ जल्द से जल्द और इंशाल्लाह वो आवाम के सामने दिखेंगे।